Hello children, welcome to the digital learning and my today's topic is proper and common noun. What is proper noun? Proper nouns are special names for particular persons, places or things. Example, Rajan, Delhi, India, Geeta, etc. A proper noun always begins with a capital letter. Okay children, always remember ki proper noun hamesha capital letter se hi begin hota hai. Aur wo jo special names hote hain, unko hum proper name, proper noun kehte hain. And what is common noun? Common nouns are the names that can be used for all persons or things of the same kind. Example, man, book, tree, flower, etc. A common noun जो होता है वो क्या होता है, same kind के, एक ही तरह के जो दिखने वाले लोग होते हैं उनके बारे में होता है. अब हम identify कैसे करेंगे कि common noun है कि proper noun है. मैं generally बताऊँगी कि common noun तो general होते हैं, वैसे बहुत पाए जाते हैं, और प्रॉपर नाउन होता है कि वैसा एक ही पाया जाएगा. तो एग्जांपल देखेंगे, पहला है फ़ोन, तो फ़ोन तो बहुत होता है, लेकिन देखो ओप्पो हो गया, नोकिया हो गया, रेडमी हो गया, सैमसंग हो गया, तो वो प्रॉपर नेम हो गया, क्योंकि ओप्पो एक अलग कंपनी है, नोकिया एक अलग कंपनी, वो स्पेसिफिक है, ठीक है. और फ़ोन, फ़ोन तो बहुत सब फ़ोन बोले, फ़ोन फ़ोन लेकर आओ तो बहुत सारे फ़ोन, लेकिन जब एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया कि ये ओप्पो का ही फ़ोन लेकर आना, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है. और वो हमेशा याद रखना है कि प्रॉपर नाउन जो होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. बिस्किट, मम्मी आपकी बोलती है आप जाओ ज़रा दुकान से बिस्किट लेकर आओ, तो आप पूछते हो ना, बिस्किट तो दुकान पर बहुत सारे मिलती है, लेकिन कौन सी बिस्किट लानी है? वो नेम जो होता है, वो पर्टिकुलर जो नेम होता है, स्पेसिफिक जो नेम होता है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे गए आप दुकान पर, बोले बिस्किट है, तो बहुत सारे बिस्किट की वैराइटीज़ दिखाएगा, लेकिन अगर बोलती है कि मुझे पार्ले जी बिस्किट दे दीजिए, गुड डे बिस्किट दे दीजिए, 2020 दे दीजिए, मोनाको बिस्किट दीजिए या वीटा मारी दीजिए, तो वो बिस्किट देगा. तो बिस्किट जो सेम तरह की दिखने वाली बिस्किट, बहुत सारी बिस्किट, लेकिन जो एक नेम, जो स्पेसिफिक नेम, पर्टिकुलर जो चीज़ हम जाके दुकान पर अगर मांगे कि मुझे पार्ले जी की बिस्किट दीजिए, तो वो निकाल के देगा, तो बिस्किट. क्लियर? ओके, तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, बाइक. हम बाइक बहुत देखते हैं, बाइक देखते हैं चलते हुए, है ना, लेकिन बाइक कौन सी बाइक? एक स्पेसिफिक नाम बताओ बाइक का. तो पल्सर हो गया, अपाची हो गया, बुलेट हो गया. ओके, अब कार. कार भी बहुत सारी कार हैं, लेकिन अगर उसका स्पेसिफिक नाम पूछा जाए जो कि प्रॉपर नाउन हो, तो एक होंडा सिटी हो गया, इनोवा हो गया, और क्या हो सकता है आप सर्च कीजिए. रिवर, रिवर भी बहुत सारे हैं रिवर, लेकिन उसका स्पेसिफिक नाम से पूछा जाए तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, जैसे गंगा, यमुना. एंड पीपल, बहुत सारे पीपल हैं इंडिया में या बहुत सारे कंट्रीज़ में पीपल हैं, लेकिन मैं जब एक आदमी को पॉइंट आउट करूँगा, वो स्पेसिफिक पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को, तो वो मैं एक नेम दूंगा और वो नेम को ही प्रॉपर नाम नाउन कहेंगे, जैसे राज, निशा. तो कंट्रीज़ भी बहुत है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो हम स्पेसिफिक नेम दे रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे इंडिया और चाइना. चाइना में अभी बोल दे कोरोना हुआ था, और चाइना से कोरोना इंडिया में आ गया, तो हम इंडिया और चाइना के बारे में बात कर रहे हैं. फिर हम कह दें इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो ये सारे कंट्रीज़ हो गए. कंट्रीज़ बहुत है, लेकिन हम जब पर्टिकुलरली कोई चीज़, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है. और कॉमनली उसी सेम तरह की दिखने वाली या सेम नाम से जाने वाली चीज़ों को हम कॉमन नाउन कहेंगे. ओके, चलो.